हे भगवान, मैं आनंद को कैसे प्राप्त करूं और मन को शांत कैसे करूं? इतना वचन बोला, सिर्फ यही बात बोली माता पार्वती ने भगवान शिव को। ऐसे सुना होगा ना आपने के पार्वती भगवान शिव से कुछ कुछ पूछती रहती हैं प्रश्न। सुना ऐसा? कहानियां सुनी है, पुरानी कहानियां। ऐसे ही ये एक घटना है जिस पे पूरा शास्त्र ये रचा गया, जिसका नाम है स्वर विज्ञान। बोलिए, स्वर विज्ञान या स्वर योग। क्योंकि योग तो पूरा है ही विज्ञान, इसलिए स्वर विज्ञान भी कहने लग गए इसको। और ये स्वर योग है, और जिस ग्रंथ में ये शिव पार्वती संवाद है, पूरा संवाद हो गया। फिर ये अब शिव पार्वती ने एक प्रश्न किया, तो ये थोड़ी कि शिव जी ने एक ही उत्तर दे दिया उसका, एक ही श्लोक में उत्तर नहीं दिया ना उसका। अब भगवान शिव तो अपने तरीके से बताते हैं कोई चीज़। वो फिर एक शास्त्र बना, उस शास्त्र का नाम है शिव स्वरोदय। बोलिए, तीन शब्द हैं इसमें, शिव, स्वर और उदय। भगवान शिव के आशीर्वाद से स्वर का उदय होना, उस ग्रंथ का नाम है शिव स्वरोदय। बोलिए, तो लगभग लगभग जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगा वो उस ग्रंथ में से, मेरी तरफ से नहीं है। ऐसे नहीं मानना कि मेरे मन में जो आया आज मैंने आपको बोल दिया। मैं तो शास्त्र की बात, हम तो देखो गुरु शिष्य परंपरा के को निर्वाह करने वाले लोग हैं ना। ऐसे नहीं कि रात को एक दिन मैं सोया था और सुबह उठ के मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई। ऐसा होता है क्या? आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? रात को आप सोए, आज का आज तो योगी बन जाते हैं, आज से योगा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ था ना। फोन की वो अच्छा था, म्यूजिक बजने देते, आप बंद कर दिया आपने। आप किसी और को बजाओगे? बताओ, सुनाओ अपना अपना म्यूजिक कैसा है उसका, फिर बताऊंगा। अगर म्यूजिक अच्छा ना हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा होता तो मैं बजने देता हूँ उसको। फिर साइलेंट ही कर दिया क्या सबने? बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। अभी तो साइलेंट कर लो, फिर बाद में बोलूंगा अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। वैसे तो कभी बोलता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कभी उसके लिए, उसमें भी बोलना भूल जाता हूँ। अब याद नहीं आता, इतना एग्रेसिव नहीं हूँ मैं। पहले सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो। मैं करो, मर्जी है, करो तो करो, ना करो तो ना करो। अब मैं वैसे ही इतना बिजी होता हूँ कि जब टाइम मिल पाता है तभी कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ, या कुछ खास किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो। ऐसा होता ना कि आपने एक क्वेश्चन किया, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लोगों को सुनना चाहिए इसका जवाब, तो उस पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ ऐसे करके। वो भी टाइम की बहुत परेशानी होती है। दूसरी बड़ी परेशानी ये भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ जिस जगह पे, वहाँ ठंड बहुत है, तो वहाँ बाहर जा नहीं सकता आराम से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। साल में 2-3 महीने अच्छा होता है मौसम। अब वहाँ मौसम अच्छा है तो यहाँ अब थोड़ा मौसम ठीक होने लग गया, तो वहाँ भी मिस किया मैंने, यहाँ भी मिस किया इस बार। तो शिव सरोदय की बात कर रहा था मैं। बीच बीच में थोड़ी हल्की बात करता रहूंगा ताकि माहौल थोड़ा भारी ना हो, है ना? नहीं तो आप कहोगे कहाँ फंस गया, आज शनिवार का दिन खराब हो गया। तो स्वर क्या है? स्वर विज्ञान है ना इसका नाम, स्वर योग है। आप तो शायद सुना होगा आपने संगीत के स्वर, सात स्वर, सारे गामा पा, सुना है ना। लेकिन ये योग के स्वर वो नहीं है, योग के वो स्वर नहीं है। योग में दो ही स्वर हैं, एक सूर्य स्वर, बोलिए, एक चंद्र स्वर। सूर्य और चंद्र तो सुना ही होगा आपने, दिन और रात तो उनसे ही बनते हैं। हमारे शरीर में भी दिन रात होते हैं, जानते हो? दिन रात का मतलब है शरीर का तापमान गर्म होना और ठंडा होना, होता है ना? ये ऐसा महसूस करते हो ना, जब थोड़ा पसीना बहता है
कुछ मेहनत करते हो तो सूर्य देव आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? गर्मी आती है शरीर में, जब बाहर अभी गर्मी होगी तो आप ठंडा पानी पियोगे, फिर निकलोगे, तब चंद्र का आशीर्वाद चाहिए कि तो तापमान बैलेंस रहे। लेकिन हमारे शरीर में जो नासिका है ना हमारी, दो छेद हैं, वैसे तो एक से ही काम चल सकता था, क्योंकि अंदर जाके तो एक ही मिल रहे हैं, ये पता है ना आपको, अंदर जाके तो कनेक्शन है, लेकिन उससे फिर सूर्य चंद्र ना बनते। मैं समझता हूं कभी कभी मेरी समझ से इसलिए भी शायद हमारे नासिका के दो छिद्र होंगे कि सूर्य चंद्र का प्रयोग करना होगा भगवान ने। तो जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है, नासिका छिद्र जो बाई तरफ है, उसको कहते हैं चंद्र, बोलिए चंद्र स्वर। और जो दाई तरफ है उसको कहते हैं सूर्य स्वर। इसका एक और भी नाम है ईड़ा और पिंगला, सुना ये नाम? योग अभ्यास करते हो तो कहीं ना कहीं सुनी लिया होगा, ईड़ा पिंगला। ये नाड़ियां हैं, ये जैसे नर्व्स है ना हमारे शरीर में, सब मांसपेशियों के नाम है, जानते हो पता है ये बात? सब मांसपेशियों के नाम है, अधिकतर नाम उन पे रखे गए हैं जिन डॉक्टरों ने उसको खोजा था, क्योंकि शुरू में जब मेडिकल साइंस डेवलप होने लगी तो हमारे को सारी नसों का भी ज्ञान नहीं था, मांसपेशियों का भी ज्ञान नहीं था, तो जो जो डॉक्टर वो खोजता गया उसके नाम पे उसको रखते गए, नहीं तो और क्या तरीका था नाम को रखने का उसका। ऐसे ही एक एक साइंटिस्ट, एक एक डॉक्टर, वैज्ञानिक के नाम पे वो नसों के नाम रखे हुए हैं। बहुत बड़ा कभी नाम था, जैसे एक जर्मन कोई बहुत बड़ा नाम, डिफिकल्ट नाम था तो उसको आसान कर दिया, इतना ही किया बस, बाकी है वो सब मोर और लेस किसी न किसी के नाम पे ही। तो ऐसे ही हमारे यौगिक शरीर में भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,864 नाड़ियां हैं, उसमें से 10 नाड़ियां मुख्य हैं, 5 दाई तरफ हैं, 5 बाई तरफ हैं, उस 10 में से भी 3 मुख्य हैं, बोले ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना का नाम सुना है कभी? नहीं। कम सुना होगा, ईड़ा पिंगला ज्यादा पॉपुलर है, जैसे गंगा जमुना पॉपुलर है, सरस्वती कम पॉपुलर है, लेकिन जानते हो आप सरस्वती है, सरस्वती लुप्त है तो अदृश्य रूप में है, जो अदृश्य रूप में है वो भी तो है कि नहीं? यहाँ अदृश्य रूप में हवा है लेकिन वो भी तो है। आप सब लोग यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग घर से, अलग अलग माता पिता की संतान हो, लेकिन एक रूप में आए, वो अदृश्य है लेकिन दृश्य रूप में तो आप यहाँ बैठे हो, ऐसे नहीं कह सकते ना हम सब एक हैं, एक जैसे एक कैसे हैं हम सब, अलग अलग उससे आ रहे हो ना आप, सबकी एजुकेशन अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, इसलिए एक अदृश्य शक्ति हमें जहां जोड़े है, समझ गए इस बात को? ऐसे ही जो सुषुम्ना है वो अदृश्य है, लेकिन हमने ईड़ा और पिंगला की शक्ति से, ईड़ा और पिंगला की सहायता से सुषुम्ना को जागृत करना है, और उसी क्रिया को क्या कहते हैं? कुंडलिनी ध्यान। स्वर योग की साधना में, स्वर शास्त्र की साधना में एक क्रिया होती है, एक घटना घटती है, उसका नाम है कुंडलिनी ध्यान, समझ गए? बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे बताया है कि ये बहुत हमारा लक्ष्य नहीं है इसको प्राप्त करना, बस रास्ते में आपको मिल जाएगा, यहाँ आपसे आप जयपुर जाओगे तो कोई एक गांव पड़ता है रास्ते में, वो दिख जाएगा, ऐसे होता है ना, नीमराणा रास्ते में पड़ता है क्या? ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे हरिद्वार जाते हैं तो मेरठ रास्ते में है, लेकिन हमने मेरठ में रुकना नहीं है, मेरठ में घर नहीं बसा लेना, हमने तो आगे जाना है उसको पार करके। ऐसे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी ध्यान भी वो तो रास्ते की चीज़ है, हमारा उद्देश्य नहीं है वो, हमारा उद्देश्य तो परम शांति प्राप्त करना भी नहीं है। लोग कहते हैं हम लोग शांत हो जाए, अरे क्यों इतना शौक है शांत होने का, हमने तो उत्सव में रहना है ना, इतने सारे हमारे त्यौहार हैं, वो सब उत्सव के प्रतीक हैं, नहीं तो हमें क्या आवश्यकता थी, महीने के अलग अलग दिनों को सेलिब्रेट करने की, क्योंकि शांति नहीं चाहिए थी, शांति तो थी, कुछ ना करो घर में बैठे हो, शांति शांति है,
हम तो शांति से भी कुछ ज्यादा खोज रहे हैं ना, है कि नहीं खोज रहे? बताओ, क्या शांति से सिर्फ काम चल जाएगा? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, मुझे लग रहा है शायद कोई यहाँ अदृश्य दीवार है, उससे रुक रही है आवाज। हाँ? थोड़ा गर्दन ही हिला दो, बिना मुड़ के ही हिला दो, कोई बात नहीं। तो ऐसा उद्देश्य, ऐसा आपने लक्ष्य मान लिया कि शांति से काम नहीं चलेगा, हमने तो सेलिब्रेट करना है, उत्सव में रहना है, उत्सव मनाना है। अब एक और भी बात है यहाँ कि आप कहोगे हम तो योगाभ्यास करते ही हैं, प्राणायाम तो कर ही रहे हैं हम, तो हमें क्या जरूरत है सौर विज्ञान की? सूर्य और चंद्र का ही तो प्रयोग है हर एक प्राणायाम में, कोई और नाक से के अलावा, कोई कान से तो सांस लेते नहीं हम, है ना? ऐसे स्वर विज्ञान है तो प्राणायाम का ही हिस्सा, लेकिन और थोड़ा स्पेसिफिक है। जैसे कपड़े पहन लेते हो आप, लेकिन कोई कोट पैंट पहनता है तो वो अलग स्पेसिफिक है ना, एक साड़ी पहनता है कोई, वो स्पेसिफिक है ना, उसमें एक अलग उसकी पहचान है। अब कोई साड़ी पहनेगा, साड़ी में कितनी वैरायटी है फिर देखो, है कि नहीं? होता है ना ऐसे, कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में कितनी वैरायटी है, उसमें फील्डिंग में भी एक आदमी चाहिए, और बॉलिंग के लिए भी एक आदमी चाहिए, बैटिंग के लिए भी एक आदमी चाहिए, और फिर सब कुछ होने के बाद उसको देखने के लिए भी कोई आदमी चाहिए, है जो आप सब हो। ऐसे ही स्वर विज्ञान एक स्पेसिफिक ज्ञान है, समझ गए? थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन मैं अलग अलग तरह से देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये हमारे जीवन को बताता है, जैसे ज्योतिष है ना, ज्योतिष से कभी ना कभी तो आप परिचित हुए ही होंगे, और कुछ नहीं अखबार में ही पढ़ा होगा, आज का ज्योतिष पढ़ लेते हैं हमारी राशि क्या है ना ऐसे, या टीवी में सुन लिया होगा, वो बताते हैं आज इस राशि का क्या होगा, राशि का क्या होगा, आता है ऐसे कि नहीं आता? टीवी में आता है ना। लेकिन स्वर विज्ञान अगर आप जान जाओ तो ज्योतिष से भी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी है इसकी, ज्योतिष से भी ज्यादा। ज्योतिष तो ऐसे बोलता है, इस भाषा का प्रयोग करता है कि ऐसे होने की संभावना है ना, ऐसा होने का योग है, लेकिन स्वर विज्ञान कहता है ऐसा निश्चित ही होगा, निश्चित ही। अगर आप किसी आदमी का जिस पे आपको शक है या जो ठीक नॉर्मल नहीं है थोड़ा, अगर एक दिन का रिकॉर्ड बना लो ना पूरा, आधे आधे घंटे का, एक कागज पे कि इस आधे घंटे में कौन सा सांस चलता है, सांस लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, उस पे कागज पे लिख लो, बस यही उसकी कुंडली है। आप ज्योतिष के पास जाओगे, वो पूछेगा जन्म स्थान बताओ, समय बताओ, साल बताओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को ना भी जानते हो, थोड़ी उसके व्यवहार देखें, थोड़े उसका नासिका का प्रभाव देखें कैसे चल रहा है, अगर बहुत ही स्पेसिफिक जानना है, मतलब कि अगर मृत्यु तक का किसी का पता लगाना है, तो ये 24 घंटे का चार्ट सब कुछ बताता है, आधे आधे घंटे का इसमें रिकॉर्ड हो। ये भी बताता है उसका मित्रों से परिवारजनों से संबंध कैसा है, इतना कुछ पता चलता है इससे। उसका स्वास्थ्य कैसे होने वाले, आने 3 महीने में आने वाले में क्या बीमारी होने वाली है, 6 महीने पहले क्या बीमारी ठीक हुई। आप देखो हमारी श्वास में ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा विज्ञान उसको जानता नहीं, हमारा विज्ञान की पहुंच नहीं है वहां तक, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। आप जाते हो अभी वो पैथोलॉजी लैब में, आपका खून लेता है जांच करने के लिए, उससे सब बीमारियों को पता लगाते हैं ना, किस चीज़ की खून में कमी है, क्या अधिक मात्रा में है। लेकिन आने वाले भविष्य में 40-50 सालों में शायद ऐसा होगा कि हम इतनी साइंस को डेवलप कर लेंगे, बस एक मशीन में ऐसे सांस छोड़ के आओ और हो गया सब काम। इतनी साइंस तो मेरे को लगता है डेवलप होनी ही चाहिए, होनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो हम सारा रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या रिकॉर्ड होगा, क्योंकि खून भी बदल जाएगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा मैं, खून बदल जाएगा। लेकिन श्वास तो एक जैसे डीएनए होता है वैसे ही है लगभग, उससे भी गहरी है, क्योंकि डीएनए भी मरने के बाद तो रहता ही है, लेकिन श्वास का प्रभाव तो उसके भी और ज्यादा गहरा है।
लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी एक समस्या या एक प्रश्न और आता है कि हमारा क्या प्रयोग इसके लिए। मान लो हम स्वर विज्ञान ना भी जानते हों, तब तो जिंदगी तो चल ही रही है, तब भी चल रही है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक, ऐसा दिखता तो है, कम से कम लग रहा है ऐसा, ठीक हो रहा है सब कुछ। बोलो, फिर क्या करने आए हो यहाँ अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो? अगर सब कुछ ठीक हो रहा है फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? जैसे किसी को आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना मिलने, पूछोगे कैसे हो, बोले हाँ ठीक हूँ, फिर क्या कर रहे हो यहाँ अगर ठीक हो तो? है कि नहीं? 90 में से 100 में से 95 लोग ऐसे ही जवाब देंगे। हॉस्पिटल किसी को बीमार को उसके घर में देखने जाओ, बोलो हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसका कोई जवाब। लेकिन हमने रट लिया है उसको, जैसे आपने रट लिया है कि सब कुछ ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ठीक, आपके चेहरे दिख नहीं रहे हैं ठीक, आप किसको तो अपना चेहरा भी देख पा रहे हो तब भी धोखा दे रहे हो अपने आप को, शायद दृष्टि की कमी होगी, दृष्टि नहीं होगी अपने आप को देखने की, है ना, सिर्फ स्किन देख लेते होगे, आज उसके जैसा बाल लगना चाहिए, उसकी जैसी आंखें दिखनी चाहिए, ऐसा देख सोचते हो ना रोज शीशा देख के, देखते हो ना, एक इमेजिनेशन कर रखी है ना। ये भी एक थोड़ी समस्या है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपने समझ रखा है सब कुछ ठीक है, इससे बड़ी समस्या होगी आप बताओ? हम तो प्रार्थना कर रहे हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय है, कर रहे हैं कि नहीं, कि तमस से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप मैं पहले से ही मान रहे हो कि हम तो प्रकाश में ही है, फिर मैं क्या करूं यहां बैठ के? फिर तो हम कुछ ना बातें करें, बस चुटकुले सुनाएं एक दूसरे को। जब आप पहले से ही प्रकाश में हो फिर तो कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने की, है क्या जरूरत? बोलो, अब बताओ सब कुछ ठीक है? इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना, मैं जिंदा हूं कि नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं मुर्दा हूं तो अपने आप को मुर्दा तो कहो कम से कम, तो जिंदा करने का उपाय तो करें कुछ, नहीं तो अस्तो मां ज्योतिगमय का क्या अर्थ रह गया? आप तो सत्य में हो ही पहले से ही, फिर किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? कौन है जो, कौन ऋषि हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं अस्तो मां सद्गमय है? कौन मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाना चाहता है? आप तो जीवन पहले से ही जी रहे हो, सब कुछ है ही जीवन में ही, तो आप कहोगे सब कुछ है, अभी जाएंगे नाश्ते का इंतजाम है, घर में कार भी खड़ी हुई है, 4-5 कमरे हैं घर में, और क्या चाहिए? शायद 1-2-3 साल में नई कार आ जाएगी, नया घर आ जाएगा, बस यही चलता रहेगा, फिर वहां से रास्ते में फिर शमशान भी आ रहा है, वही तो है रास्ते में ही जहां से मैं आया हूं अभी होके। पता नहीं आंखें नहीं खुलती, मैं बड़ा हैरान होता हूं। मैं गया एक दिन वहां पे, अभी एक महीना पहले किसी के लिए, तो फोन पे आदमी बात कर रहा है, बोले हाँ यहाँ से निपटा के अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, आंखें नहीं खुल रही, देखो वो हम निपटा ही रहे हैं ऐसे सब। हाँ, जो सोने का सिंहासन बनाया पूरी जीवन भर जिंदगी भर, वही छूट जाता है वही तो मैं इसी बात पे तो हैरान हूँ, वहां जाके भी आंखें नहीं खुल रही, आपकी यहाँ कैसे आंखें खुल जाएंगी? बिल्कुल नहीं खुलेंगी, आप लाख कहते रहोगे अब मेरी बातों में आके कि हम अंधकार में, आप हो ही नहीं अंधकार में, आप तो प्रकाश में हो, लाइट भी जल रही है देखो। बोलिए हिमालय जी, अंधकार में हो कि प्रकाश में हो? ये अंधकार में है तो पीछे की लाइट जला दो फिर। ये किताब पढ़ के आया है। ये शब्द भी तो किताब के है ना, बाहरी भीतरी, तो अभी हम पहुंचे नहीं अभी तक वहां तक, आराम से जाएंगे, क्या जल्दी है। अच्छा मैंने यहाँ टाइम तो लिख दिया था, 8 से 9 लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, मैं सिर्फ 8 से 9 लिखा हुआ था, लेकिन वो धोखा है, 9 बजे छोड़ूंगा नहीं आपको, ध्यान रखना इस बात का। जिसने जाना उठ के चुपचाप चले जाना बिना किसी को डिस्टर्ब किए, और फोन अपना लेते जाना साथ ही, कहीं वापिस आओ उसके लिए फोन रह गया था। अब बैठे हैं एक बार तो बैठे ही हैं फिर, है ना।
फिर क्या टाइम क्यों बांधना? सबसे पहले तो देखो, दो पक्ष में हम जीते हैं, दो डायमेंशन में हम जीवन जीते हैं अपना। एक है पर्सनल लाइफ हमारी, जिसमें बहुत सारी हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, है कि नहीं? ऐसे सबके साथ बोलो। एक ऐसी, एक दूसरी डायमेंशन ये है जीवन की, हमारा सामाजिक जीवन है। वहां पे मैं आपसे क्या ले रहा हूं, क्या दे रहा हूं, तीसरे आदमी को दिख रहा है ना, वो पता चल रहा है किसी दूसरे आदमी को। सामाजिक जीवन का एक पक्ष है हमारा, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन के भीतर क्या चल रहा है ये नहीं जानता कोई भी, मेरे से व्यवहार करने वाला भी कोई नहीं जानता। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसको इम्प्रूव कैसे करें। जरूरी है ना, ये मेरे देखे तो जरूरी है, क्योंकि जब हम व्यवहार को भी छोड़ो लेकिन पर्सनल समस्याएं तो कुछ खत्म हो जाएं, ऐसा तो होना चाहिए। पर्सनल समस्याएं मतलब उलझने, वो उलझने ही हैं हमारे दिमाग को जिन्होंने बांधा हुआ है, हमारे मन को सोचने से रोका हुआ है। एक जाल पड़ जाता है ना, वो जैसे ब्लर विजन हो जाता है, किसी कैमरे के आगे कुछ आप कागज या पॉलिथीन लगा दो, वो विजन ब्लर हो जाएगा। इस कैमरे की फंक्शनिंग तो खराब नहीं हुई है, वो ठीक है, वो तो ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, सूर्य और चंद्र है, उसके तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम। कौन से काम सूर्य स्वर में करने चाहिए? भोजन करना चाहिए सूर्य स्वर में, समझ गए? जब जैसे आप खाना बनाते हो, जो भी खाना बनाता है घर में, जब खाना खाने लगते हो, हमारा एक नियम है ना, वैसे अनरिटन नियम है कि हम हाथ धो के खाना खाएंगे, है कि नहीं? ऐसा सभी करते हैं ना, ऐसा बाहर खाना कहीं खाते हैं तो भी हाथ धो के खाना खाते हैं। और किसी बात का ध्यान रखते हो खाना खाने से पहले? आज से एक बात और ध्यान रखनी है, खाना खाने से पहले एक तो हाथ धुले होने चाहिए, एक बात और ध्यान रखनी है, आपका राइट नोस्टल जो है खुला होना चाहिए, सूर्य स्वर जागृत होना चाहिए। राइट नोस्टल आपका इस तरफ हुआ, जो मेरा अभी खुला हुआ है बिल्कुल, लेफ्ट भी खुला हुआ है, सुषुम्ना, हाँ दोनों भी खुलते हैं, कभी कभी दोनों भी खुलते हैं, कभी कभी एक स्पष्ट रूप से खुला होता है। अनेक लोगों का ऐसा होगा, किसी का एक जागृत होगा, एक बंद हो जाएगा, अभी बात करते करते ही वो चेंज भी हो जाता है, लगभग 90 मिनट में प्राकृतिक रूप से वो चेंज होता है, और बीच कभी खुलता है कभी, ठीक है? ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको मैं क्या उसका है। सबसे पहले तो ये समझ लो हमारे दैनिक जीवन में क्या उसका उपयोग है। जैसे हम भोजन करने के लिए हाथ धोते हैं, वैसे ही हमने मेक श्योर करना है कि हमारा राइट नोस्टल जागृत है खाना खाने से पहले। चाहे आप खाना कहीं भी बैठ के खा रहे हो, ऑफिस में, दुकान में, घर में, किसी शादी ब्याह में, कर लोगे इतना? और अगर कोई दवाई खा रहा है, कोई औषधि खा रहा है, एलोपैथी की या आयुर्वेदिक या कोई भी, तब आपका लेफ्ट नोस्टल खुला होना चाहिए, चंद्रस्वर, समझ गए? ऐसे सांस छोड़ोगे जहां से श्वास तेजी से खुले उसमें आ रही है, वही आपका स्वर खुला है। या ऐसे बंद करके देख सकते हो आप, फर्क दिखा ना दोनों में? जिस नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है और भीतर जा रही है आसानी से, वो खुला है, वो जागृत है स्वर। एक नोस्टल बंद होगा जहां जहां से सांस आ रही है ना जा रही है, ऐसा है क्या? किसी के साथ तो होगा ऐसे, हाँ, उसको उसको बंद माना जाएगा, वो बंद माना जाएगा, हाँ। थोड़ा कम भी हो सकता है या बिल्कुल भी बंद हो सकता है, वो बिल्कुल बंद भी हो सकता है, वो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि वो बिल्कुल ही बंद है। थोड़ा खुला है तो वो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, ऐसे घूमता है वो, लेफ्ट खुलेगा फिर राइट बंद होगा, राइट खुलेगा फिर लेफ्ट, धीरे धीरे बंद होगा फिर वो खुलेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, शुरू में माता पार्वती ने क्या कहा था, आनंद को कैसे प्राप्त करूं, मन को शांत कैसे करूं? तो भगवान शिव का उत्तर सुन लो। भगवान शिव ने कहा,
हे पार्वती, भीतर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास के मध्य में ठहर जाओ। समझे? आसान हिंदी है, आप सभी हिंदी भाषी हैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के मध्य में ठहर जाओ। जब श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है, थोड़ी सी देर के लिए वो रुकती है ना कहीं पे, है कि नहीं? ऐसा महसूस हुआ कि नहीं? आज तक कभी नहीं हुआ तो अब करके देखो, जरा कमर सीधी करो। हाँ, दोनों हाथों को घुटने पे लगाइए, लंबी श्वास खींचिए और छोड़िए, लंबी सांस खींचिए और छोड़िए, लंबी सांस लें फिर छोड़ें। हाँ, अब महसूस हो रहा है बीच में कहीं जगह है, बहुत थोड़ा सा है वो। जैसे हम बोलते हैं कोई भाषा, कोई भी भाषा, दो शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, अगर वो गैप नहीं होगा तो आप सुन ही नहीं पाओगे कोई बात, वहाँ रुकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। लिखते हैं तब भी रुकना पड़ता है, अगर सब शब्दों को मिला के लिख दिया जाए तो आपको बहुत कठिनाई होगी पढ़ने में। ऐसे ही एक श्वास के और दूसरी श्वास के बीच में थोड़ा सा गैप है, दिखाई दे रहा है वो गैप, महसूस हो रहा है? अब बस उसी में ठहरना है, यही सूत्र है, यही ध्यान का सूत्र है। ठहर जाओगे उसी में? बीच में कई लोग कह रहे हैं हाँ, जैसे वो मैथ का जो टीचर होता है ना, जिस दिन उसका पढ़ाने का मन नहीं होता, वो कह देता है एक सवाल करवा दिया है, बाकी सारे एक जैसे हैं, कर लोगे? एक नलायक जरूर होता है क्लास में, वो कहता है कर लेंगे, वो कहता है करो, फिर वो बैठ जाता है आराम से। भैया फंस गए थे आप तो, लेकिन मैं थोड़ा आज पढ़ाने के मूड में हूँ, चाहे आप कितने भी गर्दन नहीं ला लो, मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि सारे सवाल एक जैसे हैं ही नहीं। देखो, मन तो ठहरेगा बीच में, आप भी ठहरोगे श्वास के बीच में, वो थोड़ा अभ्यास के बाद आएगा, थोड़ा उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आपको कोई टिप्स भी दे दूंगा, कोई ट्रिक भी बता दूंगा, वो थोड़ी हेल्पफुल होगी, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसमें आपके अभ्यास का ही है। आप उसमें अभ्यास कीजिए, जब टाइम मिले, जहाँ मिले, बस में, ट्रेन में, कार में बैठे हुए वहीं लग जाइए आंखें बंद करके। देखो, मजे की बात, कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र का सहारा नहीं है, नहीं है ना? अब करना क्या है, जो, और सांस को तोड़ना भी नहीं है, उसका फ्लो भी चेंज नहीं करना। ऐसे नहीं कि अच्छा बहुत तेजी से आ रही है ना, इसलिए नहीं ठहर पा रहा वहां पे ध्यान, अब धीरे धीरे सांस लेता हूं, अब ठहर जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो तो अननेचुरल हो गया, नेचुरली तो आप नहीं ठहर रहे वहां पे। जब, जैसे एक वो होता है ना, एक खिलौना ऐसे वो घूम रहा होता है, जैसे घड़ी में भी वो पेंडुलम होता है, वो ऐसे लेफ्ट राइट जा रहा होता है, वो लेफ्ट को टच करता है, राइट को टच करता है, दिख रहा है ना वो आपको? ऐसी ही श्वास है हमारी, आपको ने महसूस तो कर लिया सौभाग्य से कि वो भीतर और बाहर का फ्लो है, लेकिन वहां भी ठहरे नहीं। अच्छा, किसको पता चल गया कि वहां थोड़ा सा भी ठहराव है दोनों श्वास के बीच में? हाथ खड़ा करो जरा, बताओ ईमानदारी से, नहीं तो फिर टेस्ट ले लूंगा मैं। हाँ, चल गया पता, बाकियों को पता नहीं चला, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। एक बार दोबारा करते हैं, आंखें बंद। जब आप बिना श्वास की गति को बदले, सिर्फ आपने अब यही करना है कि जो श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, उसके बीच में क्या हो रहा है, आप जरा पता तो लगाओ, जरा खोजो तो सही। इतना ही डिपेंड हो जाओगे दूसरों पे, सब कुछ ही दूसरे कर लेंगे आपके लिए। जरा श्वास के दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है हमारे शरीर के अंदर ही, उसका पता लगाना है, और वही क्रिया एक परम ध्यान का रूप ले लेगी, देखना। बहुत शांति के साथ आंखें बंद करके रखिए,
धीरे धीरे श्वास को लेने दीजिए, अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर जाएगी, श्वास को बदलने का प्रयास ना करें, तोड़ने का प्रयास ना करें, जैसे बीच में खांसी आए तो खांस दें, फिर दोबारा शुरू कर दें उसी प्रक्रिया को, कैसे श्वास अंदर आ रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है, थोड़ा पता लगाएं, थोड़े वैज्ञानिक एटीट्यूड के साथ खोजें जरा कि हो क्या रहा है श्वास के अंदर। आंखें खोल दीजिए, अब लगा पता, अब कुछ ज्यादा पता लगा, अब बताओ, हाथ खड़े करो जरा, दिखाओ मुझे किसने लगा लिया पता। वेरी गुड, प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे, है ना, ये है मध्य मार्ग, समझे क्या है ये, बोलिए सभी, मध्य मार्ग। एक मध्य देश भी है, जानते हैं, जानते हैं, सुना है कभी ये शब्द मध्य देश? हाँ, मध्य प्रदेश तो भारत का एक राज्य है, लेकिन मध्य देश भी एक शब्द है, सुना है कभी? नहीं। मध्य देश है हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर। अब मध्य देश ये कैसे हुआ, एक कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है वैसे कि हमें जो मुक्ति है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो वो मध्य देश से है, मध्य देश से। फिर उसके बाद कई विद्वानों ने उसका अर्थ निकाला कि वो मध्य देश हमारा देश भारत है, कि लगभग लगभग ऐसा देखने पे लगता है वर्ल्ड मैप कि हमारा देश पूरी दुनिया के बीच में है, मिडल ऑफ द वर्ल्ड है, थोड़ा ऐसी प्रतीति होती है। अगर थोड़ी ट्रिक आपने कुछ सिद्ध करना है तो कर ही दोगे उल्टे सीधे तरीके से, है कि नहीं? तो इसलिए हमने कहा हमारी तो भूमि देवों की भूमि है, तो यही मध्य देश है। लेकिन मध्य देश हमारा शरीर है, वो ऐसे है जो सूक्ष्मतम जीव है जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते, जो बैक्टीरिया है जैसे, या कोई जीवाणु है, बहुत सूक्ष्म है जो, और जो विशालतम जीव है, जो बहुत ही विशाल काय है, हाथी जैसा कोई या उससे भी बड़ा कोई होगा, बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र में, उस सबसे छोटे और सबसे विशाल जीव के मध्य में हम हैं। अब समझे आप, हमारा मनुष्य शरीर सबसे सूक्ष्मतम और सबसे विशालतम के मध्य में है, इसलिए उनको भी यहाँ आना पड़ेगा और बड़े वालों को भी यहाँ आना पड़ेगा, तब वहाँ से मोक्ष का द्वार खुलेगा, और तभी तो आप श्वास को जान पाओगे अपनी। अच्छा, ईड़ा पिंगला आपको बताई मैंने, समझे थोड़ा, एक प्राणायाम आप करते हो, अनुलोम विलोम करते हो ना, करते हैं सभी के नहीं, कैसे करते हो उसको, चलो करो जरा, करके दिखाओ, करके दिखाइए, अनुलोम विलोम कीजिए सभी, जिसको जैसा आता है वैसा कीजिए, छोड़ दो छोड़ दो, सभी गलत कर रहे हो, क्या देखने का फायदा है ऐसे, हाँ क्या बोले, प्राणायाम दो तरह के होते हैं, बोलिए उत्कृष्ट प्राणायाम, बोलिए दूसरा है निकृष्ट प्राणायाम। निकृष्ट का मतलब समझ गए आप, मतलब कि लोअर कैटेगरी, उत्कृष्ट मतलब हायर कैटेगरी, तो आप जो कर रहे हो वो लोअर कैटेगरी का है। क्यों है लोअर कैटेगरी का, क्योंकि हाथ लगाना पड़ गया,
कब तक करोगे ऐसे? 5 मिनट में, 6 मिनट में हाथ थक जाएगा। मजा तो तब है ना जब आंख बंद करके और अनुलोम विलोम चल रहा है। हो सकता है ऐसा? क्या बोलो, पॉसिबल है? क्या लगता है? पॉसिबल है वैसे? कैसे? एक साइड से सांस लेके दूसरी साइड से छोड़नी, और बिना हाथ लगाए? मैडम की बिलाए नहीं, कोई चक्कर है तो आपने पाते तो पॉसिबल ही है। मैडम करा ठीक है, हम लोग नहीं कर, आप कर पाते तो पॉसिबल है। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है इसका भी। जैसे विष्णु जी के पोज में लेट जाओगे ना जब आप, तो जो स्वर आपका ऊपर है वो खुलने लग जाएगा, वो खुल जाएगा। फिर दूसरी तरफ लेट जाओगे तो जो ऊपर है वो खुल जाएगा। ऐसे एक दिन में 50 बार करना पड़ेगा लगभग। बेड पे भी कर सकते हो लेटे लेटे, कभी एक बार यहाँ लेट जाओ, फिर खुला हुआ महसूस हो, फिर यहाँ लेट जाओ। समझ गए? ये आज से आपका होमवर्क है। शुरू में 2 से 3 मिनट लगेंगे एक नासिका को खोलने के लिए, 2 से 3 मिनट। जिसने कभी नहीं किया उसको 2-3 मिनट लगेंगे। जब थोड़ा अभ्यास बढ़ जाएगा, 50 बार अगर आपने रोज इसको चेंज किया, 1 महीने के बाद आपका 1 मिनट से कम टाइम में चेंज होने लगेगा। फिर भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 बार कर रहे हो, 6 महीने के बाद लगभग 15 से 22 सेकंड के बीच में आपका चेंज होगा। लगभग ऐसे समझ लो कि लेटते ही चेंज हो गया, 15 सेकंड हो गए लगभग, फिर चेंज हो गया। 1 साल के बाद 5 सेकंड में चेंज होगा, बैठे बैठे। थोड़ा गर्दन को ऐसे झुकाओगे, जो चाहोगे वो स्वर खुलेगा आपकी इच्छा से। आपकी बात सुने, आपकी नाक तो आपकी बात सुने कम से कम, कोई नहीं सुनता तो क्या हुआ? हाँ, कोई सुनता है आपकी बात? बोलो, सुनता है? बोलो, नहीं सुनता, बोलो तो। आप रोब किसी पे जमा दो लेकिन कोई बात मानता ही नहीं आपकी, सुनता ही नहीं, वो तो सच है। आपकी नाक तो आपकी गुलाम बने कम से कम, इतना तो करो, अपनी नाक के तो मालिक बनो। क्यों कहते हैं नाक के लिए, नाक का सवाल है। अरे नाक के तुम्हारे वश में है ही नहीं, क्या नाक का सवाल है? तरह सांस खींच के देखो, लेफ्ट से राइट से छोड़ो बिना हाथ लगाए, तब मानेंगे नाक सुनती है आपकी बात। तब नाक के लिए भी आप कुछ करो, नाक के लिए कर रहे हैं लोग सब कुछ, पता नहीं नाक पे क्या है नाक में ऐसा। एक ही टाइम 50 बार करना होता है या कभी भी? एक बार करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप उसको ब्रेक में भी कर सकते हो, टुकड़ों में भी कर सकते हो। कुल मिला के शरीर को आदत हो जाएगी ना, हाँ ये क्रिया हो रही है, अब ये कुछ नया हो रहा है ऐसे। फिर 3 सेकंड में होने लगेगा। 3 सेकंड में जब हो जाए आपका, बैठे बैठे ही जब आप चाहो जो चाहो वो चले, सिर्फ सोचने से ही, तब आप गुरु बन गए। उस लेवल के गुरु बन गए जब आप अब उत्कृष्ट प्राणायाम कर सकते हो जिसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मैं अनुलोम विलोम, आप शुरू हो गए। अरे ये क्या, सब कोई ऐसे हाथ लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है? हाँ विष्णु जी जैसे लेटते हैं, पूर्णिमा जरा लेट के दिखा। देखो, चल साइड पलट जरा। हाँ बताता हूँ, 2 से 3 मिनट बोला ना, आप लेटिए जरा वहां पे ऐसे। कितनी बार करना है? 50 बार ऐसे लेट गए, देखो, देख लीजिए, यहाँ देख लिया। अब जो स्वर ऊपर है, अब इनका लेफ्ट ऊपर है ना, तो लेफ्ट खुलेगा। अब पलटिए साइड, यहाँ लेट जाओ। हाँ अब राइट ऊपर है, तो 2 से 3 मिनट के बाद राइट स्वर खुलेगा, समझे? लगभग आप देखो खुद अपना, सबका अलग हो सकता है टाइम, बैठ जाओ।
2 से 3 मिनट सबका अलग हो सकता है टाइम, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, क्योंकि सबका अलग बैकग्राउंड है ना, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का बहुत जल्दी हो जाए, किसी के शायद 3 मिनट में भी ना हो और ज्यादा टाइम लगेगा, किसी का जल्दी हो जाएगा। इस अभ्यास को करना है, कर लोगे आसान है ये तो। लेकिन एक योग में कितने दिन हो गए, किसी को शायद 2 महीने हुए होंगे, किसी को 4 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, कोई 5-6 साल से आ रहा है। लेकिन एक अभ्यास आपको, एक सीढ़ी समझ लो कि एक सिद्धि मिल जाएगी आपको, कम से कम एक ऐसी चीज तो जो आपको सिद्ध हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 साल में बताओ, एक साल में कुछ तो सिद्ध कर लोगे। करो अभ्यास, श्वास सिद्ध हो जाएगी आपकी। जिस नाक के लिए जिंदगी जी रहे हो, वो नाक तो कम से कम सुनेगी बात आपकी। वैसे तो वही कॉन्सेप्ट ही वो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण है, नाक के लिए जीना तो। लेकिन आप अभ्यास करो तो वो हो जाएगा। अनुलोम विलोम एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्राणायाम है, इसकी आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चंद्र है ठंडा और सूर्य है गर्म, ऐसा है ना? अब जब हम एक तरफ से श्वास को लेते हैं, ठंडी सांस आ रही है, गर्म छोड़ रहे हैं, गर्म आ रही है, ठंडी छोड़ रहे हैं, और दोनों के बीच में क्या है? सुषुम्ना। तो सूर्य और चंद्र के माध्यम से सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना जागृत होती है, और वही कुंडलिनी है, ध्यान रखना। जो हमारे अभ्यास से, जो प्राणायाम के माध्यम से शक्ति जागृत होती है, उसी का नाम कुंडलिनी है। समझ गए? हाँ जी, कुंडलिनी मैंने बोला ना, जैसे एक शक्ति है जो साधना मार्ग में है, ऐसे उसका वर्णन आता है शास्त्र में कि वो 2.5 फेरे लगा के बैठी हुई है। जहाँ हम बैठे, जब कमर सीधी करके रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा आपका भूमि पर स्पर्श हुआ, उससे लगभग 2.5-3 इंच ऊपर है उसका स्थान। और दृश्य रूप में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप काटोगे शरीर को तो दिख जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो शक्ति है, क्योंकि वो कुंडलिनी है। बहुत सारे मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं उसके जागृत होते ही। आप किसी को कह देते हो ये तो पागल हो गया, वो शायद कुंडलिनी की शक्ति हो, शायद, लगभग लगभग, क्योंकि ऐसी मानसिक अवस्था बनती है उसके होते ही। जो ज़्यादातर आपने सुना होगा, एक संप्रदाय अघोरी साधु होते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति में उलझ गए सब, ज़्यादातर के साथ ऐसे होता है, क्योंकि उसमें एक बार जाना फिर वो निकलना आसान नहीं है। आप उसको, आप पावर को एंजॉय करते हो, फिर पावर को एंजॉय कौन नहीं करना चाहेगा, सब करेंगे ना, आप वहीं अटक गए, फिर वहीं बैठ गए। जो साधक है वो आगे बढ़ता है चुपचाप मौन रहते हुए, शक्ति सब है देख लिया, लेकिन रुकना नहीं। दिल्ली से चले चंडीगढ़ के लिए, लेकिन रुकना नहीं रास्ते में, कहीं चलते जाना है आगे। ऐसे कुंडलिनी शक्ति भी एक रास्ते का एक दृश्य है, वहाँ रुकना नहीं, चलते जाना है वहाँ से आगे। और थोड़ी एग्रेसिव इसकी शक्ति है, एग्रेसिव पावर है। आप करेंगे अभ्यास, वही है, अभ्यास करना पड़ेगा तब आप इसको महसूस करेंगे। बहुत सारा अभ्यास, अनुलोम विलोम, पहले तो श्वास सिद्ध होगी। देखो मैंने बोला लगभग 1 साल का समय लगेगा श्वास सिद्ध होने में, उसके बाद अनुलोम विलोम शुरू होगा। उसके बाद मैं टाइम बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन आपके जीवन काल में पॉसिबल है। अगर आप 5 साल और भी जियोगे तो वो सिद्ध कर सकते हो उसको, अनुलोम विलोम सिद्ध हो जाएगा 3 साल में। 4 साल हुए अनुलोम विलोम सिद्ध होने के बाद, अगला सोपान, अगला कदम कुंडलिनी है। आपने तो पढ़ लिया होगा, आज ही लगा के आऊँगा कुंडलिनी ध्यान, आज ही करके आना है, ऐसा सोच के आए थे ना, सोच के आए थे ना। टेक्निक बता देंगे? हाँ, टेक्निक तो बता दूंगा, एक तो बता ही दिया है कि इसको शुरू कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। विष्णु जी के पोज में लेट जाओ, शुरू करो उसको, अभ्यास करो अपना।
भीतर जाती हुई बाहर आती हुई श्वास के मध्य में ठहरो। दो टेक्निक बता दी ना दो। और जितना ज़्यादा ओम का जाप करोगे, जितना ओम का हिट करोगे ना अपने अंदर शक्ति को, ओम शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, नीचे से ऊपर उठने लगती है, वो उसमें सहायक होगा। और जिसका जितना लंबा शवासन होगा, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है इसको, शवासन को तो सिर्फ आराम का आसन मान लिया है, ऐसा मान लिया है कि शवासन करेंगे तो आराम मिल जाएगा। नहीं, शवासन तो बहुत आध्यात्मिक आसन है। जो शवासन कर लेगा आधा घंटा पौना घंटा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। येलो टेक्निक ये है, लेकिन सोना नहीं है उसमें। अगर आप सो गए तो साधना खराब हो गई। वो सो गए तो साधना, हाँ जी बोलिए। कल रात को क्या खाया था आपने? मटर मशरूम, और उसके साथ कितनी रोटी खाई? चार क्यों नहीं खाई? ऐसे ही चल जाएगा पता। जब आप कर रहे हो आपको ही चल जाएगा ना पता। आपको पता है तीन रोटी की आवश्यकता है, चौथी खानी नहीं है। आप जब आपने चार साल अनुलोम विलोम की साधना कर ली तो कोई बताने नहीं आएगा आपको कि भाई अब साधना बंद करो, आपको अनुभूति हो जाएगी उसमें। हाँ जी बोलिए। हाँ, शवासन कैसे करना है ये गोपाल जी बता देंगे आपको। लेकिन मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ अगर आप चाहो तो। मैं जहाँ शवासन का अभ्यास करता था ना, तो बाकी लोग थे वहाँ बैठ के बातें करते रहते थे। लगभग 10 साल पहले की बात है ये। और मैं अपने आँख में ना ऐसे एक सफ़ेद कपड़ा था वो डाल के रख लेता था रोशनी, ताकि ना आए, इतनी परेशान ना करें। और एक हाथ मेरा ऐसे होता, क्योंकि दोनों हाथ में ऐसे लगता ना, अपना बता रहा हूँ, शायद आपको सूट ना करे, आप भी देखना, अपने सबका अलग हो सकता है। मेरे ऐसे शवासन में तो हाथों की ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन मैं एक हाथ ऐसे रखता था एक हाथ ऐसे रखता था, क्योंकि मेरे दोनों हाथ थक जाते थे बहुत देर ऐसे कोनियाँ सीधी रखे ना, तो ऐसे रख ले, थोड़ा कंफर्टेबल रख लेता था हाथ को ऐसे करके। तो आजू बाजू जितने भी लोग होते थे कमरे में, कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनकी सब बात सुन सकता था। वो क्या बातचीत कर रहे हैं, मैं रिएक्शन नहीं देता था उस पर कोई, लेकिन रिएक्शन दूंगा तो वो मेरा आसन टूट जाएगा। लेकिन मैं सब सुन सकता था, कितनी बार दरवाजा बंद हुआ खुला ये मेरे को पता था। वो लगभग 1-1.5 घंटे तक टाइम हो गया था उसका। तो आप अभ्यास शुरू कर सकते हो 10-15 मिनट से, वो धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा उसका। ऐसे शवासन होगा, ऐसे शवासन सिद्ध होगा। और कोई क्वेश्चन बोलिए। शवासन में श्वास पर ध्यान नहीं होता इतना, आप शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर को आराम देने में ज्यादा उस पर फोकस होता है। ये ऐसे तो कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम लेटे हुए आंख बंद करके सोए नहीं है, पर ये भी नहीं कि आंख खोल के देखें, हमें आसपास का सब पता होता है, तो क्या वो शवासन? हाँ, वो स्थिति है, बस उसको खींच के बड़ा करना है। हर व्यक्ति ध्यानी है, आप सब ध्यानी हो, ऐसे नहीं समझना कि ध्यान कोई नई चीज है आपके लिए। बस वो ध्यान की ड्यूरेशन आपके लिए बहुत छोटी है, वो प्रॉब्लम है, हमने उसको बड़ा करना है। इतनी टेक्निक्स में इतनी चीज़ें, इसलिए तो बता रहा हूँ कि हम उस टेक्निक उस ड्यूरेशन को खींच के 1 घंटे का कर दें। एक बात बताओ, आप रात को कितने घंटे सोते हो, या पूरे दिन में 24 में से कितने घंटा सोते हो? 6-8 घंटे लगभग एवरेज, यही टाइम पकड़ लूँ सबके लिए, 6-8। अच्छा, आपको क्या लगता है,
मान लो 7 घंटे हमने सोए तो आराम कितने देर मिलता होगा हमें? 45 मिनट से 1 घंटा। हिमालय बोला, योगा सीख रहा है, योगा टीचर बनने वाला है ये। 45 मिनट से 1 घंटा और बोलियो तो 15 मिनट भी काफी होते हैं, 5-10 मिनट काफी होते हैं। को छोड़ो, आपको कितना मिलता है ये बताओ। काफी तो दाल रोटी बहुत है, लेकिन आप उससे ज्यादा संघर्ष कर रहे हो ना। नहीं, आपको क्या लगता है अगर आप 7 घंटे सोए हो बिस्तर पे खराब किए 7 घंटे आपने, कितना देर आराम मिला होगा आपको? कुछ तो आइडिया लगाओ, कुछ तो गैस करो। 2-3 घंटे। हाँ, 45 मिनट 1 घंटा हिमालय बोला, आप 2-3 घंटे बोले, आप बोलिए 3 से 4 घंटे। हाँ जी, आप बोलिए 3-4 घंटे। 2 घंटे, 2 घंटे। नहीं, टाइम बोलो टाइम। अब मैं क्यों पूछूं आपको क्या सपना आता है? क्यों इतनी प्राइवेसी आपकी मैं डिस्टर्ब करूं? आप बोलिए 3-4 घंटे। आप बोलिए। अच्छा, ये तो 100% हो गया फिर तो। आप बोलिए, आप बोलिए 2-3 घंटे। आप बोलिए 2-3 घंटे। 2 घंटे, 4-5 घंटे। आप बोलिए। हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए आप। 2-3 घंटे। आप बोलिए। पूरा आराम मिलता है। अच्छा, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, 3-4 घंटे। 2-3 घंटा। आप बोलिए। 4-5 घंटे। आप बोलिए। 20% और 1.5 घंटा। आप बोलिए। 20% कैसे निकाल लिया आपने? नहीं, ये परसेंटेज किसी उस बेस पे निकाल लिया आपने। अकाउंट का काम करते हो आप? कुछ ऐसा काम करते हो क्या? देखो, अकाउंटेंट है ये। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलिए लास्ट में। पूरा 100% इधर। आप बोलिए, बोलिए आप। आप बोलिए, आप बोलिए। ये बैठ बोलो। पंद्रह बीस मिनट मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप। पीयूष जी, आप बताओ, आपका नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि के लिए एक बार ताली बजाइए सभी। सृष्टि जवाब के बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज। 10-15 मिनट बोला ना। इतना ही, 2-3 मिनट। सोए तो मुर्दा की तरह पड़े रहे 7-8 घंटे के लिए, लेकिन आराम कितना मिला? 2-3 मिनट। समझ गए? मैं इसलिए पूछा सबसे एक एक करके कि शायद तो कोई क्लोज हो, शायद तो कोई हो वहां पे, वो मिल गई। देखो सृष्टि, आप तो सब ब्रह्म में जी रहे हो, कोई 100 में से 100 नंबर दे रहा है अपने आप को, कोई 3-4 घंटे ही का आनंद ले रहा है, और कोई स्पेशल ओकेजन पे, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो पहाड़ में, समुद्र के पास, जंगल में, कहीं कैंपिंग के लिए कहीं रहते हो, कहीं रिजोर्ट में रहते हो, जहाँ पर नेचर के बहुत आप क्लोज हो जाते हो और अपने डेली रूटीन से हट जाते हो बिल्कुल ही, तब वहाँ पर ये टाइम बढ़ जाता है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक पहुँच जाते हैं हम। आपको लगता था पूरा ही आराम मिल रहा है या घंटा ही घंटों का मिल रहा है? अब देखो, जो ऊर्जा आपको 2-3 मिनट मिलती है सिर्फ, उसके सहारे पूरा दिन चलते हो आप, अगले 24 घंटे चलते हो ना। अगर मान लो इसी को हम खींच के 1 घंटा कर दें, तब क्या करोगे आप? पंख लग जाएंगे, उड़ोगे तब तो आप।
इतने ऊर्जावान हो जाओगे शारीरिक मानसिक रूप से। यही तो ध्यान है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप सब ध्यानी हो ही, सब ध्यान कहीं ना कहीं लगाते ही हो, लेकिन उसको खींचना है हमने, ड्यूरेशन को बड़ा करना है। ऐसी भी क्या आपने नरक की स्थिति बना दी अपने जीवन की कि सोते हो तो दो तीन मिनट का ही आराम, सुबह घर से निकलते हो ऐसा सोचते हो आज तो मैं खुश रहूंगा, आज तो किसी को कष्ट नहीं देना, आज तो पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हो, पॉजिटिव काम करने हैं, लेकिन शाम को वापस आते हो बिल्कुल उल्टे, चेहरा मुरझाया होता है, शक्तिहीन हो जाते हो, खुशी की खोज में चले थे दुख लौटा के बैग में भर के आते हो। क्यों हो रहा है ऐसा? निश्चित रूप से आप गलत दिशा में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, गलत दिशा में आगे, बोलो हाँ बढ़ रहे हैं। जिस चीज की खोज करना चाह रहे थे उसे और दूर होते जा रहे हो एक कदम, सोचा था एक दिन जीवन का आज उसके निकट आएंगे लेकिन एक दिन और दूर हो गए उससे, क्योंकि सारी ऊर्जा बाहर लग रही है। आपको आज दो तीन अभ्यास बताए, वो थोड़े थोड़े प्रयास था, अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायमेंशन का अभ्यास है, थोड़ा ऊर्जा को अंदर खींचने के लिए, उसका प्रवाह उल्टा करने के लिए। आप इसको करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा इसका। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, दोनों आंखें बंद कर लीजिए, एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। कमर को सीधा रखें, दोनों नेत्रों को बंद रखें, लंबी श्वास लीजिए और शुरू करें। दोनों आंखें खोल लीजिए, नमस्ते। ऐसे ही जब भी अपनी साधना शुरू करें, आंख बंद करके जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा जिसमें आपका विश्वास है, उनका ध्यान करें, धन्यवाद का भाव प्रकट करें, और ऐसे ही अपनी साधना शुरू करें, ऐसे ही अपनी साधना खत्म करें। चलो छुट्टी आपकी। नमस्ते, जय श्री रामचंद्र, ओम नमः शिवाय। यदि आप स्वर विज्ञान, स्वर योग सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर वहाँ तक जहाँ तक भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव स्वरोदय ग्रंथ के माध्यम से उपदेश किया है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मुझे आशा है इस ग्रंथ के माध्यम से आप अपने जीवन में समूल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।